but he have to find a way to get out. So some of them go upward and comes out in the form of a bug. Whereas, so let's start class 8th NCERT science from the topic how does air get polluted. तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात जिससे आपको जानकर खुशी भी होगी और दुख भी होगा कि हवा कैसे प्रदूषित होती है. But the most stinky question is, why does the fart smell so bad? Well, प्रदूषित होती है. The substance which contaminate the air are called air pollutants. जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं. ऐसे सब्सटेंस जो कि हवा में अशुद्धता पैदा करते हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ गैसें होती हैं या इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं जो कि एयर पोल्यूटेंट्स जिनको हम कहते हैं वायु प्रदूषक जो कि हमारी हवा को अशुद्ध करते हैं, हवा को अलोकित करते हैं जिसे हम उर्दू में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं प्रदूषित करते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स, किसी चीज़ को गंदा करना. समटाइम्स सच सब्सटेंस मे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शंस. जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं ये वॉल्केनिक इरप्शन होते हुए ज्वालामुखी फटते हुए देख सकते हैं आप. और ये देखिए ये टकले अंकल को क्या सूझी, इन्होंने जो है लावा से अपना हॉट डॉग गरम करा और जला लिया और उस पर हॉट डॉग पर रख कर सॉस लगा कर उसे खाने के लिए तैयार करा. टकले अंकल को भी बड़ी मस्ती सूझ रही है. कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं. अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं. तो कभी कभार ये जो सब्सटेंस हैं जो कि हवा को अशुद्ध करते हैं, हमारी एयर पोल्यूटेंट्स एयर को कंटमिनेट करते हैं, तो वो ये जो आते हैं हमारी नेचुरली कुदरती भी आ सकते हैं जैसे कि धुएं से. और जो हमारी धूल है तो वो भी हमारी हवा को प्रदूषित करती है नेचुरली यानी कुदरती प्राकृतिक, जो कि प्रकृति की वजह से अशुद्ध करती है हमारी हवा को. जैसे कि स्मोक और डस्ट कहाँ से निकलते हैं, फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लगती है, और वॉल्केनिक इरप्शंस और जो ज्वालामुखी फटते हैं. पोल्यूटेंट्स आर ऑल्सो एडेड टू द एटमोसफेयर बाई सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज. मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा भी वायु में प्रदूषक मिलते रहते हैं. जो पोल्यूटेंट्स हैं वो हम जो एक्टिविटीज करते हैं अपनी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो है हवा प्रदूषित हो जाती है, हवा अशुद्ध हो जाती है, अलोकित हो जाती है. द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स आर, जो कि हम करते हैं ऐसी चीज़ें जिनसे हवा गंदी हो जाती है, उनके सोर्स जैसे करते हैं हम पावर प्लांट्स जो हमने लगा रखे हैं उनकी वजह से हमारी हवा प्रदूषित हो जाती है. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंक केक्स. इन वायु प्रदूषकों का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वाचक जलावन लकड़ी तथा उपलों के जलने से निकला हुआ धुआं हो सकता है. जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं, फिगर 18.2 में स्मोक फ्रॉम अ फैक्ट्री, जैसे कि इस फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है. और अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगे तो आप 2x में इसमें फास्ट करके देख सकते हैं. मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो आर कॉज बाय एयर पॉल्यूशन. बहुत सारी हमें जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बहुत सी श्वसन समस्याएं वायु प्रदूषण के कारण होती हैं, हमें सांस लेने में